जिसे ले कि हमारी से होते हैं से. से ले दो लाख में, 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 में एक, -एक पी की अलीडबुक मिल जाती है और अलीट बुक का अनुसार डब्ल्यू सीरीज का लैपटॉप है ना वो मिलेगा। और डब्ल्यू स्टैंड वर्क स्टेशन है पुरानी जनरेशन में जी बुक नहीं हुआ करती थी अलीडबुक में ही मोबाइल वर्क स्टेशन आया करते थे ठीक है तो ये मोबाइल वर्क स्टेशन अवेलेबल है आई सेवन की फर्स्ट जनरेशन में NVIDIA के Quadro सीरीज के ग्राफिक कार्ड के साथ है ये मशीन आपको मिल जाएगी और इसमें Quadro का जो सा है वन जीबी का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और ये आपको तेईस हजार में मिल जाएगी चार जीबी की रैम लगी है ढाई सौ की हार्ड ड्राइव लगी है ऑफकोर्स ये अपग्रेडेबल मॉडल है एस एस डी लगवाना चाहिए लग, लगवा सकते हैं और ये उस वक्त की फुल जिसे कहते हैं ना प्रीमियम शार मशीन हुआ करती थी टच बार के साथ आती है अच्छा टच बार के साथ जैसे मैकबुक हो होती है तो ये इसमें है। ये टच बार लगी हुई है वॉल्यूम कंट्रोल्स और जो सा है नेटवर्क कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है ई मेल और ब्राउजर जैसा के ऑप्शन मिल जाते हैं अब ये हमारे पास जो सा फर्स्ट मॉडल था यह तेईस हजार में है चार जीबी रैम ढाई सौ जीबी की हार्ड ड्राइव के साथ एच डी डी है एस एस जी का अपग्रेड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं तो हमारे पास डेलिट्यूड चौवन चालीस अवेलेबल है ये आई फाइव की फोर्थ जनरेशन में आता है दो जी बी के डेडिकेटेड एनविडिया ग्राफिक कार्ड के साथ ये मशीन अवेलेबल है ठीक है और ये आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन जी बी एस एस जी के साथ आपको फोर्टी फोर थाउजेंड में मतलब चौतालीस हजार में मिल जाती है ये मशीन ये भी जो सी है अच्छी पावरफुल मशीन है अंदाज़ा लगा लें कि आप इसके ऊपर 2018 वाले एडोब के वर्जन ईजीली चला सकते हैं इतनी पावरफुल ये मशीन है वेल well कैपेबल है नेक्स्ट मशीन की तरफ चलते हैं तो इसी में थोड़ा पावरफुल वर्जन आ जाता है आई सेवन की थर्ड जनरेशन का ये वर्क स्टेशन है एच ये भी एच पी की लीड बुक सीरीज है और ये भी डब्ल्यू ये भी वर्क स्टेशन कैटेगरी का, का लैपटॉप है ये देखें मोबाइल वर्क स्टेशन इसके ऊपर है ठीक है और ये आई सेवन की थर्ड जनरेशन वाला पीस अवेलेबल है ये आपको फोर्टी फाइव थाउजेंड में मिल जाता है आठ जी बी की रैम है चार सौ जी बी की एस एस डी लगी हुई है दो जी बी का एनविडिया क्वारोर सीरीज का कार्ड लगा हुआ है और ये फुल ऑन एडिटिंग मशीन है इसके ऊपर जिसे कह कहलाए कि आप ऑटो कैड वगैरह ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये ऑटो कैड वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं देगी इसको ज़्यादातर जो से हैं वो हज़ार रुपये पसंद करते हैं जो उनसे ऑटो कैड में सिवर का, का काम कर रहे हैं ठीक हो गया तो ये कितने की मिलेगी ये ये वाली पैंतालीस हज़ार में मिल जाएगी आई सेवन की, की थर्ड जनरेशन है नेक्स्ट मॉडल की अच्छा मैंने क्वान्टिटी वैसे मॉडल्स की बताई नहीं है ये आई सेवन थर्ड वाले का मेरे पास जो फर्स्ट वाले का एक पीस पड़ा हुआ है ये आई फाइव फोर वाले के मेरे पास चार से पांच अवेलेबल है इसके ऑलमोस्ट दस यूनिट अवेलेबल होंगे मेरे पास नेक्स्ट इस मॉडल की तरफ चलते हैं तो इसमें मेरे पास तकरीबन बारह तेरह यूनिट्स अवेलेबल हैं तो ये पचपन सत्तर है ये आई सेवन की सिक्स जनरेशन के एच प्रोसेसर के साथ आता है और छठी जनरेशन है तो इसका मतलब आपके लेटेस्ट अडोब की प्रोडक्ट्स इस इसमें ईजीली चल जानी है उसके अलावा इसके अंदर दो जी बी का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और ये आपको आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन जी बी एस एस जी के साथ बहत्तर हज़ार सेवेंटी टू थाउजेंड में ये मिल जाती है ये फुल एस डी रेजोलूशन भी है बैकलाइट की बोर्ड भी है दो जी बी का इसमें ए एम डी का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और ये एक पावरफुल मशीन है ठीक हो गया, गया। इस बहुत सारे लोग कहते थे कि हम हाँ लो बजट में इनके ग्राफिक्स वाली मशीनें नहीं कवर करें तो आज हम लो बजट से ही हमने स्टार्ट किया। हाँ हमने लो बजट से इस वजह से स्टार्ट किया है कि ये अगर कोई सीख काम सीखना शुरू कर रहा है जी जी। जो आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जाना चाह रहा है तो वो इन मशीनों से इनसे शुरुआत वाली पहली तीन मशीनें इनसे शुरुआत कर सकता है ठीक है ये समझे कि ये मिनिमम बाउंड्री है जो उनकी चाहिए होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के काम के लिए ठीक है सिक्स एसरा लैपटॉप ये मिनिमम बाउंड्री है अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उतरना चाहते हैं लेकिन इनसे आप शुरुआत कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप जो कह रहे हैं कि यार मैंने मशीन वही लेनी है जो काम कर सके अगर आपको थोड़ा सा कम में आपका काम चल रहा है जिसमें आप चलाया जा सकता है एडो का लेटेस्ट वर्जन नहीं चलाएंगे कोई दो तीन साल पुराना वाला वर्जन चला लेंगे तो ये नहीं होगा कि कुछ लेटेस्ट फीचर इक्का दोका फ़ीचर्स का फ़र्क होता है ये डिज़ाइन का फ़र्क होता है सॉफ्टवेयर तो वही है ना तो ये पुराना वाला सॉफ्टवेयर ईजीली रन कर सकते हैं अभी भी अगर आप लाहौर में है तो आपको पता होगा रायल मार्केट या अगर आप जिस भी शहर से हैं आपके इलाके में जो से भी प्रिंटिंग मार्केट है ना आप उधर जाके देखें लोग कोर टू ड्यू पर अभी भी एडिटिंग कर रहे हैं ठीक है तो कोर टू ड्यू पर एडिट हो जाते तो ये तो उनसे पावरफुल मशीनें हैं हु, तो आप इसके ऊपर डॉप का जो सा वर्जन है दो हज़ार चला सकते हैं मार्केट में बड़े लोग अभी भी फोटोशॉप सी चलाने लगे हुए हैं या कोरोडा एक्स चल रहा है ये मशीनें जो सी है ना ये चाहे ये फर्स्ट जनरेशन वाली मशीन भी है ये एडोब का कोरोलडा जो सा है वर्जन 2020 इजीली सपोर्ट कर लेती है आपको कोरोलडा का 2020 की सपोर्ट भी मिल जाएगी और उसके अलावा ये फर्स्ट जनरेशन वाले की बात करो जो सबसे पहला तेईस हजार वाला लैपटॉप बताया है। सही है और इसके अलावा फोटोशॉप जो सा है आप इसके ऊपर दो और दो वाला वर्जन इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं

लेकिन इसके अंदर जो सा है आपको पी फिफ्टी टू पी फाइव ट्वेंटी कार्ड मिल जाएगा ठीक है ये दो जी बी का इसमें भी ग्राफिक कार्ड है ये भी आई सेवन एट है इसमें प्रोसेसर प्लस है इसमें ग्राफिक कार्ड प्लस है और दस हज़ार का प्राइस टैग भी प्लस है सही है <laughs> तो ये एक सौ पैंतीस में मिल जाएगा हाँ। और ये थोड़े मॉडर्न लुक के साथ आती है पी फिफ्टी टू एस के मुकाबले में इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन यूनिट अवेलेबल है इनमें स्पीकर जो सा है अपवर्ड शिफ्ट कर दिएगा जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी इसकी पी फिफ्टी टू एस से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ये 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 देखिए आप से से बिल्कुल देख रहे होंगे जी जी और ये और बस तीन जनरेशन है इसी है। का एक साल और अगला मॉडल ये आई सेवन की टेन जनरेशन में आता है सही है और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग आई हुई है बत्तीस जी बी की रैम वन टाइट की एस एस डी के साथ है ये आपको एक लाख पचासी हज़ार में ये मशीन मिल जाएगी आई सेवन टेन रेशन दो जी बी के डेडिकेट ग्राफिक कार्ड के साथ फुल एस जी रेजोल्यूशन और बैकलाइट की बोर्ड इन तीनों पीसों में अवेलेबल है पी फिफ्टी टू एस के मैंने आपको बताया सात से आठ यूनिट है पी फिफ्टी थ्री के तीन हैं और इसके भी जो से हैं मेरे पास सात आठ यूनिट अवेलेबल हैं पी फिफ्टीन एस जैन वन के अब जो सिंगल मशीन मेरे पास एच पी में अवेलेबल है ना तो ये सेवनटीन इंच का स्क्रीन साइज़ है

और ये आपको एक लाख पैंतीस हज़ार में मिल जाएगी आई सेवन की टेन जनरेशन है और ये फुल एच डी रेजोलूशन में आती है बड़ी अच्छी और जिसे कहते हैं डिसेंट मशीन है लाइट वेट मशीन है ये ठीक हो गया सेवन इंच में ठीक है। अब चलते हैं एट जनरेशन के जो से पावरफुल लैपटॉप है ना ये उनकी तरफ चलते हैं तो मेरे पास जो सा है आपको पी फिफ्टी टू मिल जाता है ये कोर आई सेवन की एट जनरेशन का एच प्रोसेसर है इसके अंदर चार जी बी एन वीडियो क्वार्रो पी टू थाउजेंड ग्राफी का लगा हुआ है और ये पी 2000 टू थाउजेंड कार्ड के साथ है ठीक है ये आपको एक लाख सत्तर हज़ार में बत्तीस जी बी रैम पाँच सौ बारह जी एस जी के साथ मिल जाएगी फुल एच डी रेजोल्यूशन और बैकलाइट की बोर्ड इसमें भी अवेलेबल है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इसमें ऐड हो गया हुआ है और ये आपको एक सत्तर में मिल जाएगी इसी में बल्कि मेरा ये वाला एक मॉडल दरियान में से रह गया है ये ये इसी का है। ये दिखाया है। है। का है 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 दिखाया मेरे पास सिर्फ सिंगल यूनिट अवेलेबल ठीक है लेकिन पी फिफ्टी वन में मेरे पास छह से सात पीस पड़े हुए हैं ये टच स्क्रीन वाले वेरियंट है आई सेवन सेवन जनरेशन का एच की प्रोसेसर है सोलह जीबी रैम है पांच सौ बारह जीबी है और ये भी चार जी बेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ एम बाईस लगा हुआ है इनमें और ये एम बाईस या एम टू था बोल गया हूँ ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है चार चार जी बी का का ठीक है तो ये वाले बत, आपको सोलह जी बी रैम पाँच सौ बारह जी बी एस एस जी के साथ एक सौ पैंतीस में मिल जाता है ये टच स्क्रीन है और इस मशीन की जो से मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है इसमें कलर कैलिब्रेटर सेंसर अवेलेबल है जो स्क्रीन के कलर एडजस्टमेंट करने के लिए मदद आता है अब जिनको पता है वो बेहतर जानते हैं इसको कि कलर कैलिब्रेटर कैसे काम करता है लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि अगर आप इस आपके स्क्रीन के कलर्स आपको लगता है कि सही मैच नहीं है तो आप इसके स्क्रीन के कलर एडजस्ट कर सकते हैं कि रेड कलर रेड नज़र आए ब्लू कलर ब्लू नजर आए ये डेडिकेटेड सेंसर है ठीक है मार्केट में ये सेंसर सेपरेट भी सेल होता है और जल्दी मिलता भी नहीं है रेर होता रेयर है ये पी फिफ़्टी वन और पी फिफ्टी टू इन सिर्फ दो मॉडल में आता है लानोवे ठीक है बाकी किसी मॉडल में नहीं होता तो ये कितने की मशीन है ये वाली जो सी है एक सौ पैंतीस में मिल जाएगी आई सेवन सेवन चार जी बी ग्राफिक कार्ड और सोलह पाँच सौ बारह के साथ ठीक है अच्छा इसको मैंने अभी कवर कर दिया था कि ये एक लाख सत्तर हज़ार में है बत्तीस पाँच सौ बारह के साथ इसी का मेरे पास एक वेरिएंट स्लिम वाला पड़ा हुआ है बहुत ही रेयर मशीन है पी वन जन वन इसका एग्जैक्ट मॉडल है ये आई सेवन एट जनरेशन एच प्रोसेसर के साथ आती है इसमें वही प्रोसेसर है जो इस फैट मशीन में लगा हुआ है और इसके अंदर एनवीडिया क्वारो पी वन थाउजेंड का चार जी बी का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है आठवीं जनरेशन के अंदर इससे लाइट वेट वर्क स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ ये मोस्ट लाइट वेट है बड़े लोग डेल डेल्कि है वो पचपन तीस पचपन बीस वाली सीरीज लेते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत स्लिम है, है। लेकिन वो इससे लाइट वेट नहीं हो सकता इसमें कार्बन फाइबर की बिल्ड आती है तो ये जिसे कह लें कि मोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट अवेलेबल है एज अ वर्क स्टेशन जो एग्जिस्ट करती है वन ऑफ माई फेवरेट्स और ये आई सेवन की एट जनरेशन के साथ चार जी बी ग्राफिकार्ड सोलह पाँच सौ बारह एक लाख तिरासी हज़ार वन में ये आपको मिल जाएगी अब इसमें और इसमें अगर मशीनों का कंपेरिजन किया जाए ना तो ये देखें ये वाली काफ़ी स्लिम है और ये काफ़ी फैट है अगर आप साइड एंगल से दिखा सकें जी जी बिल्कुल ये देखें ये फ़र्क आपको ये दोनों एट जनरेशन है दोनों इकट्ठे लॉन्च चुकी हुई एक ही स्टेज में लेकिन अब मैं जस्ट फॉर द रेफरेंस बता दूं प्रोसेसर वाइज दोनों की परफॉर्मेंस आपको बराबर मिलने वाली है ग्राफिक कार्ड में ये ज़्यादा स्ट्रॉग है और ये ज़्यादा घंटे काम कर सकती है क्योंकि स्लिम मशीन उन सी हैं वो थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है लेकिन एज कम्पेयर टू तो डेल एंड एल एच पी उनसे बहुत ज़्यादा कम हीट प्रोड्यूस करेगी अगर आपको स्लिम लैपटॉप एज अ वर्क स्टेशन कंसिडर करना चाहते हैं तो लनोवो का थिंक पैड पी वन जन वन स्लम में आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और ये वाली मशीन 183 में मिल जाएगी सोलह पाँच सौ बारह के साथ ये बत्तीस पाँच सौ बारह में एक सौ सत्तर की है जो ज्यादा पावरफुल है और जो कम पावरफुल है उससे लेकिन स्लिमनेस की वजह से इसका जो प्राइस था प्राइस जैसा कहता

जिसे कह रहे हैं आई सेवन की सिक्स जनरेशन है ये नाइनटी फाइव थाउजेंड में आपको मिल जाएगी आठ जी बी रैम दो सौ छप्पन जी बी एस एस जी के साथ दो जी बी डेडिकेटेड सेवनटीन इंच की मशीन उए, उए, उए। डेल प्रसि एन सतहत्तर दस है जो अच्छा पावरफुल प्रोसेसर लेना चाहते हैं और स्क्रीनसेट बना चाह रहे हैं ऑटोकॉड यूजर्स के लिए समझिए मशीन है जो ऑटोकार्ड के टूटी रनिंग करते हैं वो सत्रह इंच की ही मशीन मांगते हैं क्योंकि उनका काम बहुत बारीक है भाई ठीक होगा तो ऑटोकाड यूजर के लिए ऑलवेज 17 इंच है तो ये 17 इंच का लैपटॉप जो जोenser है आपको 95 में मिल जाएगा i7 6 rgb रैम 256gb और 2gb के डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ नेक्स्ट चलते हैं तो मेरे पास 8gb के डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड में 32gb रैम 1 टेराबाइट एसएसजी के अंदर लैपटॉप अवेलेबल है 7040 जी वो सतहत्तर दस दिखाया था ये सतहत्तर चालीस है ये बत्तीस जी बी रैम वन टेरा वाइट एस एस जी के साथ ये पीस मिल जाएगा आपको ये एक लाख पचासी हज़ार में मिल जाएगा इसमें आठ जी बी का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है और ये आप इस मशीन की लुक्स चेक कर सकते हैं इसकी ग्रेस चेक करें बिल्कुल ए जैसे कहला ना बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना दिया गया इसका सतहत्तर दस के बाद काफ़ी इन्होंने चेंजेस किए हैं और सारे चेंजेस नज़र आते हैं कि अच्छी जगह पर किए हैं तो ये आपको मिल जाएगी और ये बैकलाइट की बोर्ड वाला वेरियंट है इसमें बैकलाइट की बोर्ड वैसे चार में कम आते हैं लेकिन बैकलाइट वाला वेरियंट अवेलेबल है बत्तीस जी बी रैम वन टाबाइट आठ जी बी डेडिकेटेड एम डी डब्ल्यू एक्स सेवन वन थ्री जीरो एग्जैक्ट ग्राफिक कार्ड का मॉडल है ये रेंडिंग सीज का कार्ड है गेमिंग सीज का कार्ड नहीं है लोग ए को गेमिंग के लिए कंसिडर करते हैं लेकिन जैसे एनवीडिया की जी फोर्स और क्वारो सीरीज आती है एमडी का भी डब्ल्यू सीरीज के कार्ड जो उनके के कार्ड होते हैं है। तो इसकी परफॉर्मेंस जो, जो है एनवीडी क्वारो पी बत्तीस से ऊपर मिलेगी आपको अच्छा। जो कि छह जीबी डायरेगेटेड ग्राफिक कार्ड है उससे ऊपर आएगा लेकिन एनवीडीए के ही जो से ग्राफिक कार्ड है पी बयालीस से आपको कब मिलेगी

तकरीबन इसके चार यूनिट अवेलेबल है और अब चलते हैं जीबुक की तरह तो ये आई सेवन की सेवन जनरेशन है ये बत्तीस जी बी रैम पाँच सौ बारह जी बी एस एस जी के साथ आती है और बत्तीस पाँच सौ बारह के साथ इसके अंदर चार जी बी एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा ठीक है, भाई और बाद ये दोनों फुल एच रेजोल्यूशन और बैकलेट की के साथ ई अवेलेबल है और ये वाली मशीन भी जो सी है आपको एक लाख चालीस हजार में मिल जाएगी बत्तीस जी रैम पाँच सौ बारह जी एस एस के साथ एंड लास्ट बट नोट लीस ये वो एक मॉडल है जिसको हम कवर करना चाहेंगे ये आठ जीबी के डेडिकेटेड एनवीडिया जी टी एक्स टेन सेवन मैक्स्यू के साथ आती है ये आठ जीबी की बोर्ड वाला लैपटॉप है और सिंगल की आठ जी भी अवेलेबल है इसके अंदर एम एस आई का गेमिंग सीरीज का ये लैपटॉप है गेमर्स को पता होगा वन फोर्टी फोर हर्ट का हाई रिफरे लगा हुआ है इसमें ठीक है और वो भी जिसके कह लें कि सेवन मिली सेकेंड का डिले होता है तो मतलब आपको जिसे कहते हैं ना वो हाइपिंग वगैरह वाला वो चक्कर नहीं इसमें मिलेगा कूलिंग सिस्टम अच्छा होता है एम एस आई का मॉडल नेम क्या है ये ये इसका एग्जैक्ट मॉडल बता दें ये है जी एस सिक्सटी फाइव स्टेल थिन एट आर एफ ये इसका एग्जैक्ट मॉडल है ये आठ जी बी टेन सेवेंटी मैक्स की ग्राफिक कार्ड के साथ आता है वन फोटी फोर हर्ट्स का हाई रिफ्रेश रेट है और ये आठ जी बी ग्राफिक कार्ड में एक स्लिम तरीन मशीन अवेलेबल है और आई सेवन की एट जनरेशन है बत्तीस जी बी रैम है और ये वन टेराबाइट एस एस जी के साथ आपको दो लाख में मिल जाएगा चलें जी मतलब दो, दो बेटी पूरी लगती है <laughs> वहां से यहाँ तक दो लाख तक हम आ आगे हैं जी जी, जी तेईस हजार से लेकर दो लाख तक आ गए हैं है। आगे भी पड़ी हुई थी उसको से निकाल दिया हमने कहा नहीं दो बैंड कर देंगे ठीक <laughs> है <चले laughs> तो इनशाला और भी अच्छी वीडियो के साथ आते रहेंगे हमारी शॉप हफीज है गेट नंबर वन के साथ वाले प्लाजे में है शॉप नंबर वन फर्स्ट फ्लोर लैपटॉप वाला के नाम से हम कारोबार कर रहे हैं और ये हमारे पास ग्राफिक कार्ड में मॉडल अवेलेबल है लेकिन ये नहीं कि मैं सिर्फ ग्राफिक कार्ड में डील करता हूँ भाई ये पीछे भी बाकी स्टॉक जो सब बगा ग्राफिक कार्ड वाला ये आपको बेचने के लिए ही लगाया हुआ है सही हो गया ठीक है जी ठीक <laughs> है कितनी टाइम एड्रेस बता दिया नंबर फोन नंबर जीरो एड्रेस बता दिया आपने नंबर वन फोर सिक्स जीरो वन ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और जीरो है ये हमारी शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर है तो ये सारे के सारे लैपटॉप ये बहुत अच्छे प्राइस पे है नेगोशिएटेबल प्राइस भी है इसमें गुंजाइश वगैरह भी हो जाएगी पॉसिबिलिटी होती है तो आप शॉक को विजिट करें इंशाल्लाह अच्छे स्टॉक से एंटरटेन किया जाएगा और आप बात करेंगे तभी तो हमारी बात बनेगी हमारी बात करेंगे तो बात थैंक यू सो मच भाई आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ इस वक्त आपका दोस्त आपका हो सारे फाइव मिनट लैपटॉप वाला से भाई के साथ ज़्यादा चाहता है लाजमी कर अपने फीडबैक फिर कमेंट्स में कीजिएगा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है जितने मर्जी कमेंट करें हम कोशिश करेंगे आंसर भी करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ चंगा ही